नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इनेरो को एक और बड़ा झटका। जी हां, विधायक केहर सिंह रावत बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हरियाणा में आए दिन इनेलो का कुनबा सिकुड़ता जा रहा है। हर रोज कोई ना कोई इनेलो नेता पार्टी छोड़कर के दूसरी पार्टियों में शामिल होता जा रहा है। सोमवार को हतिन में इनेलो विधायक केहर सिंह रावत ने पार्टी को अलविदा कह दिया और बीजेपी का दामन थामा है। रावत नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में बीजेपी में शामिल हुए। काफी दिन से केहर सिंह रावत के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं आम थी, जिन पर आज पूर्ण विराम लग चुका। आपको बता दें कि हाल ही में हिसार में नलवा के विधायक रणबीर सिंह गंगवाना के भाजपा को ज्वाइन करते हुए इनेलो को झटका दिया था। कहा जा रहा है कि इनेलो का बुरा वक्त उसी दिन से शुरू हो गया था जब पार्टी में आंतरिक कलह का शिकार होना पड़ा। पार्टी के सबसे मजबूत नेता दुष्यंत चौटाला को बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिसके बाद कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी में बगावत कर दी। इसके साथ साथ इसी मौके पर पैरा ओलंपियन दीपा मलिक भी बीजेपी में शामिल हुई। दीपा मलिक ने बताया कि पिछले 70 सालों में खिलाड़ियों के लिए किसी ने इतना काम नहीं किया जितना मोदी सरकार ने 5 साल में कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा परिवार सेना से जुड़ा परिवार है और अब वो बीजेपी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर के बीजेपी में शामिल हो रही है, क्योंकि देश की जनता के साथ साथ सेना के लिए बीजेपी ने जो किया है उससे मैं प्रभावित हूँ। बल्कि ये खास रिपोर्ट।